इंटरवल हुआ है। एक तो स्वीडिश में चलता है सब कुछ, मुझे पता नहीं लगता कि भैया इंटरवल हुआ है या खत्म हो गया है। नाटक बहुत नेक्स्ट लेवल है। एक तो मैं पहली रो में बैठा हुआ हूँ, एक्टर्स को एकदम अपने बिल्कुल सामने परफॉर्म करते हुए देखना, और जिस लेवल पे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्वीडिश मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। सेट तो खैर चलो पैसा कह लो या जो भी कह लो, भारी भयंकर सेट लगा हुआ है स्टेज पे। कर्टेन से ही स्टार्ट हो जाता है नाटक, एकदम गरीबी का नाटक है। कर्टेन भी फटा पुराना सा लगाया था, बाद में पता लगा टेम्परेरी कर्टेन था, एकदम से गिर जाता है। बीच बीच में मुझे हो रहा था जैसे मुझे डेजावू हो रहा है, फिर मुझे लगा ये दोस्तों उसकी जैसी कहानी है। बीच में एक सीन आया तब मुझे याद आया मैंने इसको पढ़ा हुआ है, इस नाटक को कब पढ़ा है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसका क्लाइमेक्स पता है। फिर जब उन्होंने कॉपैक कॉपैक बोलना शुरू किया और एक दो नाम जो मैंने कनेक्ट किए, मुझे लग रहा है जैसे मैंने गौरव के साथ पढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं घर में जाके पढ़ूंगा यार, इंग्लिश नाटक में किसी के साथ पढ़ते हुए इतना फोकस के साथ नहीं पढ़ पाता, मुझे नींद आने लगती है। चिप्स जो मैं लेके आया था ये मेरे बहुत काम आ रहे हैं आज, ना तो मुझे इंटरवल में बाहर जाने की जरूरत है ना ही भूखा रहने की। ये सेट देखते ही भी मुझे एकदम से हिट किया था, जैसे दोस्तोवस्की की कहानी लिखी हुई है पर जिसकी है रशियनी। मेरी बगल वाली ये दो सीट्स खाली पड़ी थी, लिखा हुआ था नॉट बुकेबल, बुक नहीं कर सकते इनको। तो मैं सोच रहा था पता नहीं क्या चक्कर है, हो सकता है कोई स्पेशल आदमी बैठेगा। शो के टाइम पे मैंने रियलाइज किया अगर ये सीट बुक नहीं करना चाहते मतलब ये या तो यूज करने वाले हैं या फिर इनको खाली छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके साइड में कोई ना कोई बैठेगा बैक स्टेज का आदमी। अगर कोई सीट बुक नहीं होती है यहाँ तो लोग आकर उस पर बैठ नहीं जाते हैं, हो सकता है आर्टिस्ट उसको यूज करने वाला हो। था मैक्सिम गॉर्की का द लोअर डेप्थ, जितना मैंने पढ़ा था और जितना मुझे याद है बहुत ही ज्यादा गरीबी और उन चीजों पे लिखा हुआ। उसके आगे फिर कहानी घूमती है, लव एंगल दिखाया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, ओवरऑल एग्जीक्यूशन की। सेट एकदम परफेक्ट, मतलब क्या सेट था। बजट है वो सब मैं समझता हूँ, टिकट प्राइस भी उसी हिसाब से होते हैं, 3-4 हज़ार की टिकट थी इसकी। देख करके मुझे समझ में आ रहा था यार ये कुछ वैसा सा लग रहा है, मतलब कितना सोचा होगा फिर अगर ये राइटर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो सेट ऐसा होना चाहिए। एक डेड बॉडी को दफनाते हैं, उसमें स्टेज में गड्ढा दिखा रखा है, क्रेन चल रही थी भाई स्टेज पे। हम अगर क्रिसेंडो क्रिएट करते हैं तो एक्टर से करते हैं, इसमें क्रेन से हो रहा था। वो एक ऐसी चीज हो गई कि आपके पास पैसा है तो आप कितना भी ले जा सकते हो, आप किसी को भी सेट दे सकते हो, लेकिन क्या वो सेट के लायक परफॉर्म कर पाता है। स्वीडिश होते हुए मैं इतना इन्वॉल्व था इस प्ले के अंदर, सिर्फ एक्टर्स जैसे परफॉर्म कर रहे थे, काश मुझे स्वीडिश आती मैं समझ पाता, हो सकता है मैं क्रिटिसाइज कर पाता, हो सकता है कहीं कहीं उनकी स्पीच लड़खड़ाई हो मुझे ना पता लगा हो, पर जितना मुझे दिख रहा था वो बहुत कंट्रोल्ड, मतलब जहां उनकी जुबान लड़खड़ानी है वहां पर भी ऐसा लग रहा था जैसे उतनी मात्रा में लड़खड़ा रही है जितनी की समझ आ जाए। प्रोजेक्शन अगर ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो बहुत ही खतरनाक लेवल पे कर रहे थे यार। मैं तो फर्स्ट रो में बैठा था पर लाउड नहीं थे, और अगर ये इस लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे थे कि पीछे वालों के रिएक्शंस आ रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया कि ये किस तरह से कर पा रहे हैं। और अगर माइक्स लगे थे तो यार कैसे माइक्स लगे थे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। जो आवाज का लेवल है अपस्टेज से बोल रहे हैं ऊपर जाकर बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वो लग ही नहीं रहा था कि वो माइक से निकलती हुई आवाज है, कुछ उसमें माइक पे डिपेंडेंसी आ रही हो, डिस्टेंस की डिपेंडेंसी आ रही हो, ऐसा कितना परफेक्ट इन्होंने माइक्रोफोन सिस्टम लगा दिया। पता लग रहा है कि हाँ ये बंदा अपस्टेज से बोल रहा है, पता लग रहा है कि ये यहाँ से बोल रहा है, वो माइक से मुझे तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। और एजेड एक्टर्स थे, यंग एक्टर्स थे, इन्वॉल्वमेंट में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। जिन एक्टर्स का कुछ डायलॉग नहीं है वो पीछे कुछ कर रहे हैं, वो इतने इन्वॉल्व थे कि मेरी नजर उन पे जा रही थी, ये बंदा क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ अभी जो धुआं फूंक रहा है वो इतना इन्वॉल्व लग रहा है मुझे, मैं डायलॉग जो बोल रहा है उसे छोड़ के मैं उसे ऑब्जर्व करना चाहता हूँ ये कर क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से ट्रेन करते हैं,
क्या इम्प्रोवाइजेशंस ज्यादा करता है, इम्प्रोवाइजेशंस बोले तो कि बस सिचुएशन दी और कुछ भी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शंस बहुत जबरदस्त हैं इनके, नेचुरलिज्म जो आ रहा था, फिर ब्लॉकिंग्स, बड़ी डिफरेंट ब्लॉकिंग्स थी इनकी, मुझे पता ही नहीं लग रहा था कब ट्रांजिशन हो गया, सारी लाइट्स जल रही हैं, पीछे अपना एक्टर कुछ और कर रहे हैं, आगे कुछ और कर रहे हैं, जैसे ब्लॉकिंग का कुछ इतनी परवाह नहीं कर रहे, मुझे ऐसी चीज लग रही थी कि स्टेज को एक तो घर बना ही दिया था इन्होंने, सीढ़ी चढ़ पा रहे थे, फ्लोर सब थे इसके अंदर, ये ऐसे यूज कर रहे थे उसको जैसे ये घर ही है, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ओके मुझे ऑडियंस को दिखना है, मेरी बैक नहीं दिखनी चाहिए, मेरा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, घर की तरह बिहेव कर रहे थे, ऑडियंस देख लेगी अपने आप जहां से देखेगी, वैसा लग रहा था मुझे, बस जो कैरेक्टर है उसके साथ फ्लो कर रहे हैं, स्टेज ही इतना बड़ा है और आई थिंक ऑडिटोरियम ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है कि बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आएगा ऑडियंस को, वो मुझे बहुत ही सही चीज लगी थी, फ्री जो एक्ट कर रहे थे बिना कुछ ज्यादा सोचे, फिर एक बीच में सीट खाली थी, एक एक्टर आया, फिर उसने वो सीट यूज की ऑडियंस की, तो मतलब कि इधर ऐसा नहीं किया जा सकता कि ओके खाली तो पड़ी है मैं बैठ जाता हूँ, मेरी तो चलो सीट खराब नहीं थी पर कहीं और मैंने ऐसा नहीं किया, वरना गालियां पड़ती तुम्हारी सीट ही नहीं है ये। बहुत ही बौना फील हुआ, समझ में नहीं आया कि कितना कुछ है सीखने को, किस तरह से ये लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं, मैं इस लेवल पे अगर परफॉर्म करना चाहूँ तो क्या करना होगा, क्या क्या कर सकता है इंसान उसके लिए, मैंने इतनी इन्वॉल्वमेंट आंखों के सामने बहुत कम देखी है अभी, हालांकि मैं एक्टर्स का बैकग्राउंड जाके चेक करूंगा, छोटे एक्टर्स नहीं लग रहे थे वो, फिर भी वो बहुत ही कैजुअली ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है, जैसे काफी सोचने को मिला है कि क्या क्या है दुनिया में। लैंग्वेज मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही थी आज, मैंने पिछला जो शो देखा था उसमें इम्प्रेस नहीं कर रही थी, आज शायद इसलिए इम्प्रेस कर रही थी क्योंकि ये एक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मेरी मेन क्यूरियोसिटी एक्चुअली ये है कि कैसे क्या क्या कर रहे हैं ऐसा, ये जितना हम जानते हैं उससे अलग ये क्या कर पा रहे हैं, सभी के सभी इतने टैलेंटेड एक्टर्स कैसे हैं। मैंने कल भी एक प्ले देखा था, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुआ था, आज जो देखा वो नेक्स्ट लेवल था। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास यहाँ पर, और एक्चुअली लाइफ में चीजें भी इतनी सारी होती हैं। 25th को भी मैंने सोचा था पर मैं नहीं यार, बहुत थक जाता हूँ, स्टॉकहोम आना, 2 घंटे का ट्रेन का सफर, और फिर सवेरे सवेरे चलना, खाना वाना इस सब का वो करना हिसाब किताब, स्टॉकहोम में ही होता तो मैं लाइन लगा देता प्लेस की, पर उधर से आने में ना बहुत शरीर टूटता है, मेरे बस का नहीं है भैया। गोविंदा का डायलॉग फिर से, ये काम वाम नहीं होता मामे, मुझसे मेरे हाथ दुखते हैं। करेंगे चलो यार, बातें तो मैं बहुत ही करता रहता हूँ, और बात करेंगे। अभी पहले तो मैं ये देख लूँ मेरी ट्रेन कितने बजे की है, मुझे अगर यहाँ पर कुछ करना है तब तक, ट्रेन अगर लेट है तो मैं क्या कर सकता हूँ। 7:29 की है वहाँ से ट्रेन, आई डोंट नो पकड़ पाऊँगा या नहीं पकड़ पाऊँगा, पर कोशिश कर लेता हूँ। एक ट्रेन जस्ट मेरे आगे आगे निकल गई, वो जो टनल बना थी वो अगर वहाँ से 3 मिनट पहले चल देती तो मैं जरूर पकड़ लेता इसको। मुझे लगा कोई नहीं चलो उससे अगले वाली पकड़ लेंगे, 7:59 की है, पर वो 7:59 वाली एक्चुअली 4,000 की पड़ जाएगी एक ट्रेन, उससे मैं नहीं जा रहा, जब मुझे 1600 में मिल रही है तो वो ठीक है भाई, वेट कर लूंगा मैं 2 घंटे, तब तक मैं यहाँ पे टहलकदमी करूंगा, और अभी क्या कर सकते हैं। पीनट बटर में यूज़ करता हूँ वो यहाँ देख ही नहीं रहा है मुझे, ये मुझे फिर से समझने पड़ेंगे इनमें क्या क्या है। तो मैंने ये वाला ले लिया है, हैं कुछ अच्छे खासे पीनट इसमें, और ऑर्गेनिक सब कुछ है, सस्ता भी है बाकियों से, सबसे सस्ता यही है 35 का, बाकी 45, 43, 38। ये पिकाडिली भी बढ़िया आइटम है, इसमें अपने हिसाब से कुछ कुछ डाल लो, 25-30 में खाना कर सकते हो यहाँ पे, जो कि इधर एवरेज 100 पड़ता है। यहाँ हर चीज़ का प्राइस 20 से 25 के बीच में ही रहता है, जो मर्जी उठा लो, मतलब 150-200 रुपए की हर चीज़। जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे लगता है वो टोमेटो वाले लेस, पर ये सॉल्टेड है। बहुत कुछ होता रहता है यहाँ पर तो भाई, स्टॉकहोम में है जो है इधर, और कुछ ज़्यादा ही है। अभी मेरे पास कुछ करने को तो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर यहाँ से वहाँ ट्राम में बैठ के घूम लेता हूँ। स्टॉकहोम के ट्राम्स में चेकर है, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग चीज़ है, नॉर्थशॉपिंग में क्यों नहीं है, पर अगर चेकर रखते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि उसका काम कितना ज़्यादा है, स्टेशन पर लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, कितनी बार घूमती रहेगी वो दिन भर। तो मैं ट्राम का पूरा चक्कर मारा है, एक साइड का कुछ 16 मिनट मान लो, मैक्सिमम 20। 9 बज रहे हैं, अभी मैं एक बार जिम जा रहा हूँ, पानी भर लेते हैं, वॉशरूम तो चलो ट्रेन में भी है।
यही वाले थे जो मुझसे 100 रुपए मांग रहे थे वॉशरूम यूज करने के, गधे कहीं के। कितनी बेवकूफ है क्या दुनिया, जो देती भी होगी भाई छोटा अमाउंट होगा या तो उनके लिए, हम भी 1-2 रुपए के लिए तो नहीं सोचते हैं, लेकिन 10 इतना भी छोटा अमाउंट है नहीं एक्चुअली। यहाँ पे हमारे वहाँ पे 1-2 रुपए में कुछ खास आता नहीं है, यहाँ पर 10 में कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिल जाती हैं। बिस्किट का पैकेट तो मिलता है एटलीस्ट। बिस्किट के पैकेट से याद आया, बिस्किट का पैकेट ले लूँ क्या? जंक खाने का ऐसा मन करता है ना जब आपका पेट खाली होता है। कंट्रोल 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 करना पड़ेगा। ट्रेन में बैठ के म्यूसली खा लूँगा ना फिर नहीं करेगा, पेट जब खाली होता है तो सूझती हैं ऐसी ऐसी बातें। तो मेरी ट्रेन लगी हुई है 16A पे, अच्छी सी सीट मिल जाए बस, ज़्यादा लोग ना हो, भीड़ ना हो। तो अभी लगी नहीं है, लगेगी। और आज मुझे लोग भी ज़्यादा दिख रहे हैं, पता नहीं संडे है इसलिए। ये घड़ियाँ मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड बना दी हैं स्टेशनों पे, इंडिया में भी यही दिखती है, मेट्रो स्टेशन पर भी, यहाँ पर भी, मेट्रो में जाओ चाहे रेलवे स्टेशन पे खड़े हो यही घड़ी दिखती है। विजिबिलिटी अच्छी होगी टाइम की, ड्राइवर्स के लिए शायद अच्छा होता होगा, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, अदरवाइज इतना स्ट्रांग स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है। ये कमरे से बना रखे हैं यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि कचरा ज़्यादा फैलाते हैं लोग, तो इसलिए टेम्परेली बंद है अभी ये, तो कचरे की दिक्कत है यहाँ पे और ज़्यादा है, पर एक्शन ले लेते हैं ये लोग उस पर। सब रात है तो बिल दौड़ा रहे है, थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है, मेरी आँख खुल गई, फिर मैंने सोचा स्पीड देखता हूँ, 160 पार कर रखी हुई। रात में पुलिस वाले नहीं खड़े होते होंगे ना, चलान का डर नहीं है, रेस पे पैर रख के भूल गया जैसे। तो फाइनली नॉर्थ शॉपिंग आ गए, अभी हो रहे हैं 11:30। जिस हिसाब से रास्ते में स्पीड खींच रहा था मेरे को तो लग रहा था 11 बजे पहुँचा देगा। मुझे हल्की हल्की नींद सी आ रही थी, फिर एकदम से आँख खुली, ट्रेन ऐसे पूरी खड़खड़ कर रही है, स्क्रीन पे आँख गई, 165 की स्पीड पेल रखी थी, धड़ 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 धड़, काफ़ी देर तक वही स्पीड रही, 165 164 165 165। तो मुझे लग रहा था भाई ये तो 30 मिनट पहले पहुँचाने वाला है, 2 स्टेशन बचे हैं, बस इसी स्पीड से भागता रहा तो। पर अफसोस ये लोग अपने रूल तोड़ते नहीं है, रास्ते में कहीं रुक गई, पहुँचे 11:30 ही। अच्छा हुआ मैं साइकिल ले आया था यहाँ तक, इतना कम्फर्ट हो गया, अभी सीधा उठाएंगे और चढ़ाई करेंगे। फाइनली मैं घर आ गया, कुछ 10 मिनट लगे स्टेशन से यहाँ तक आने के, चढ़ाई पे बहुत हालत खराब होती है, वो भी स्पेशली जब तुम दिन भर चले हो, टांगों में बिल्कुल जान ना हो। 2 घंटे पहले आ सकता था अगर वो वाली ट्रेन मिल जाती तो, अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, 10 बजे तक पहुंच जाता मैं, पर ठीक है इतना तो चलता है, कल तो 2 बज गए थे। अभी फटाफट से बस बर्तन लगाता हूँ मैं डिशवॉशर में, नहीं तो मेरे को कल दिक्कत हो जाएगी। अब मैं पढ़ के सोने वाला हूँ, कई दिन से ढंग से सोया नहीं हूँ, कल 3-3.5 घंटे सोया था, उससे पहले भी इतने 5-1 घंटे सोया था शायद, अभी सिर्फ सोऊंगा, कल काम भी करना है फिर मुझे। गुड नाइट।